तो बाइक तो तगड़ी ले रखी है भाई तीनों ने। कपड़ों की जगह सबने जंजीरें पहन रखी है। ओ बेटे, ओ वो भी है इसके छोटे भैया है ये। ये है मेल उर्फी जावेद। ए इधर आ। चलो रे चल महीना निकाल। उतना पैसा नहीं है सर। निकाल महीना। गरीब आदमी बासी भात खाते हैं। ठीक है महीना छोड़ो, तुम हफ्ता निकालो। अभी देते हैं। अरे भाई दुकान में तो कोई है ही नहीं है। अच्छा अभी रुको। ए रुक, चल हफ्ता निकाल। हफ्ता? पर मेरा तो कोई दुकान ही नहीं है। दुकान नहीं है। चल अब हफ्ता निकाल। अरे भाई पर ये तो मेरा दुकान है ही नहीं। आज से ये दुकान मेरा हुआ। निकाल हफ्ता। अच्छा ये लो। चलो रे। और दुकान का मालिक आके इसे लात मार के निकालेगा अभी। आज से ये दुकान मेरा हो गया। सपन देख ले सपने। हाँ भाई साहब बोलिए क्या लेना है आपको। अभी बताते हैं। भाई अपना एरिया में नया होटल खुला है उधर देखो। वाह ये कौन सा होटल है? अपना होटल। अरे ये तो अपना होटल है। चलो आ जा। अबे देख क्या रहा है? खामना अपना होटल है। हे भगवान। अबे उसके होटल का नाम अपना होटल है। पेट भर के खाओ अपना होटल है। हे भगवान। भैया मेरे लिए एक प्लेट चिकन चिल्ली। हाँ मैडम अभी देते हैं। सुनने में आया है तू चिकन चिल्ली खाती है। अभी के अभी मैं एक प्लेट मंगा रहा हूँ। बेटर मेरे डार्लिंग के लिए एक प्लेट चिकन चिल्ली। हाँ भैया अभी देते हैं। हाँ तेरी।
गुंडे को सबक सिखाया भाई लड़की ने, दम है बाप। ये ले जाओ मैडम चिकन चिल्ली। कितना हुआ भैया? 100 रुपया। चलो रे भैया। बिल? बिल काहे का बिल? ये तो अपना होटल है। ये आपका होटल नहीं है, इसका नाम अपना होटल है। बिल तो देना पड़ेगा भैया। अगर बिल चाहिए तो नाम चेंज करो, यहाँ लिखो दूसरे का होटल, तब मिलेगा। चेंज करना पड़ेगा अगर बिल चाहिए। दूसरे का होटल? अभी बोलेगा ये दूसरे का होटल है, तू क्यों मांग रहा? भैया नाम चेंज कर दिया, अब दीजिए बिल। उधर देखो क्या लिखा है, दूसरे का होटल। फिर तुम क्यों मांग रहे बिल पे? देखा तूने कहा था। हाय राम, बेचारे को नुकसान करके चले गए। ओ भाई डाकू। क्या लोकेशन चूती है। बिल्कुल डाकू वाली। अब ताला खोलो। ताला बहुत है इसमें, संदेह हुआ है। ओ माय गॉड, गोल्डन पत्थर, गोल्डन पत्थर, सोना ही सोना है। इतना सारा ये सोना पूरा 50 करोड़ का है, इसे संभाल के रखो। पुलिस, पुलिस आ गई, अब तो बचना ही पड़ेगा। पुलिस से पुलिस आ रहा है। मेरा नाम है कलुआ डाकू, जेब में रखता हूँ चाकू। जेब में रखता हूँ चाकू। अबे भैया, अबे मेरा चाकू कहाँ है? सरदार जूता में है चाकू। मेरा नाम है कलुआ डाकू, जूता में रखता हूँ चाकू। लेकिन सरदार पुलिस तो बंदूक रखता है। सरदार अब डर क्यों रहे हैं, बंदूक तो हम लोग भी रखते हैं। अबे बंदूक तो है लेकिन सब नकली है। एक काम करो, सारा सोना जंगल में छिपा दो, पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी करो। सोना यहाँ पे छिपा दो, जाओ। एक काम करो, तुम लोग दोनों सोना के पास रहो, बाकी मेरे साथ चलो। कर ले। चोरी करता है सरदार के साथ भी चला। कर लेता है कभी कभी। फिर चला लगा है ना ये। ये क्या सूंघ के आ जाता है? देखिए इस शख्स को, उसका नाम है कलुआ डाकू। कलुआ डाकू ने मल्लू ज्वेलर्स के यहाँ से पूरे 50 करोड़ का सोना चोरी करके हुआ फरार। जो भी कलुआ डाकू को पकड़ के पुलिस के हवाले करेगा उसको सरकार इनाम में पूरे 100 करोड़ रुपए देगी। 100 करोड़? 50 करोड़ के सोने के लिए 100 करोड़ रुपए? लॉजिक किधर है? झांसा है, झांसा है ये झांसा। हिलने की कोशिश मत करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अबे पीछे देख, तुमने नहीं हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। नकली है। कोई बात नहीं, इस बार नहीं घेर पाए तो क्या हुआ, अगला बार जरूर घेरेंगे, वो भी चारों तरफ से। गायब स्टैंड हो गया। चलो रुको।
वो देखो रेडियो है, ले का उसे। देखा पुलिस मुझे पकड़ने के लिए क्या क्या कर रही है, लेकिन पुलिस को यह पता नहीं है कि कलवा डाकू को पकड़ना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। चलो लगता पुलिस आ गया, भागो भागो भागो। बन गया यहाँ भी इनका बहुत अच्छा वाला लुल्लू बनेगा। आयरन के साथ साथ क्यों बज रहा है? रेडियो में बज रहा है, रेडियो में। साला ये पुलिस पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा यार? सरदार रेडियो बज रहा था। साला हम तो डर ही गए थे। फेंको इसे। चलो ये ऑटो किसका है? मेरा भाई। चल भाड़ा निकाल। भाड़ा मतलब हफ्ता निकाल। सुबह से एक भी सवारी नहीं बैठा भाई। एक भी सवारी नहीं बैठा है? चलो बैठो रे। चलो हम लोग को आगे तक छोड़ो। तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्पोर्ट बाइक थी। रुको रुको रुको। कितना हुआ? 150। ये लो। चला वापस निकाल। कितना चालू है भाई। हेलो भाई, मैंने व्हाट्सएप में एक वीडियो भेजा है, जल्दी चेक करो। अभी देखते हैं। देखिए इस शख्स को, इसका नाम है कलवा डाकू। कलवा डाकू ने मल्लू ज्वेलर्स के यहाँ से पूरे 50 करोड़ का सोना चोरी करके हुआ फरार। जो भी कलवा डाकू को पकड़ के पुलिस के हवाले करेगा उसको सरकार इनाम में पूरे 100 करोड़ रुपए देगी। 100 करोड़? साला आज से हफ्ता लेना बंद। चलो कलवा डाकू को पकड़ते हैं। चलो सरकार तुम्हारे ऊपर पूरे 100 करोड़ का इनाम रखा है, चुपचाप चलो मेरे साथ। कलवा डाकू को ले जाना इतना आसान नहीं है, देख चल रहा है, मारो साले को। अरे साला भगले भगले भगले। अबे हम हैं। ओ आइए सर, आइए आइए। क्या दे सरदार को? और ये नकली बंदूक से डर क्यों गया था? मेरा नाम है कलवा डाकू, जेब में रखता हूँ चाकू। ये साला बार बार केला कहाँ से आ जाता बे? देख क्या रहा है, मार साले को। तुम क्या देख रहा है? तुम भी जाओ। Thank you.
भाई साहब। ओवे भाई तो छोटा सा बड़ा दबाका है। बारू का मंडल है वो 5 रुपए वाला। सो गया। चलो आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम लोगों के पास 50 करोड़ का सोना है और कलवा डाकू का इनाम 100 करोड़ है, पूरे 50 करोड़ का फायदा होगा। अच्छा तो हम लोग क्या करें? इधर आओ। बहुत सही, 15 करोड़ मिला लिया। समझ गया? हाँ चलो चलो। मार दिया सबको? हाँ सरदार। बहुत अच्छा, पकड़ लिया। आ जाओ पकड़ लिया। वाह शाबाश, लेके चलो। रुको, हेलो हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, मैंने कलवा डाकू को पकड़ लिया है। आप पूरे 100 करोड़ रेडी रखिए, हम लोग आ रहे हैं। रुको, तुम लोग वहीं रहो, मैं खुद आता हूँ। अच्छा ठीक, आइए आ जाओ। तुम्हारी तरह फिर है बंदो, कलवा डाकू को इधर भेजो। पहले पैसा इधर भेजो। पैसा हम लोग लाए हैं, तुम कलवा डाकू को इधर भेजो। चल जा बे कलवा डाकू। अब जल्दी से इनाम का 100 करोड़ दो। इनाम तो एक बहाना था, असली मकसद तो कलवा डाकू को पकड़ाना तभी था। तो बस समझ गए थे साला, इसने बहुत जोर किया है। एक 100 करोड़ का इनाम गया। मेरा नाम है कलवा डाकू, जब मेरा तब चाकू। फिर केला। साले इस केला का झमेला ही खत्म कर। खा लेना मेरे से। खा लिया केला, अब चलो थाना। अबे पैसा लो, तुम्हारा पैसा रह गया। वैसे वो 50 करोड़ का सोना है अभी। तुम लोग टेंशन मत लो, कम से कम 50 करोड़ का सोना तो बचा है। चलो मेरे साथ। चलो भैया, मतलब कुछ नहीं मिला, 50 करोड़ का सोना मिल गया। और कितना अच्छा सोना बना रखा है, पत्थरों को गोल्डन स्प्रे पेंट कर रखा है। समोसे हैं, समोसे। क्या बात है। और लोफर, मतलब ये एक अंतर सा दिखा दिया गया कि एक टिपिकल डाकू एंड एक मतलब गुंडे में कितना अंतर होता है। लाइक शहरों के गुंडे में हफ्ता निकाल, मतलब इतना चालाक वो किसी को भी दुकान पर बैठा दिया, अब हफ्ता निकाल है ना। और किसी को भी मतलब रिक्शे वाले से हफ्ता लेना था तो रिक्शे वाले को फ्री में छोड़ने पर मजबूर किया, उससे मतलब उसको पैसे दिए 150 रुपये और कह रहा अब हफ्ता निकाल, उसे वापस देना पड़ा। मतलब फ्री की सवारी।